हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे एरो हेड प्लांट के बारे में बात करूंगी, जिसे सिंगोनियम भी कहते हैं। और देखिए, ये प्लांट जो है इंडोर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और जो छाया में उगाने वाले प्लांट्स होते हैं, जिन जहाँ पर इनडायरेक्ट और ब्राइट लाइट, अच्छी लाइट आती है लेकिन धूप नहीं आती है, उन जगहों के लिए ये बहुत अच्छा पौधा है। और अगर आप इसको ऐसी जगह लगाएंगे ना, जहाँ तो ऐसा वेरिगेशन आता है, देखिए बड़ा सुंदर सा वेरिगेशन आता है इसमें। और अगर जैसे आजकल मैंने यहाँ पे ग्रीन नेट लगाई हुई है, तो ग्रीन नेट से छाया होने की वजह से देखिए इसका वेरिगेशन सब चला गया है। और जब मैं ग्रीन नेट हटाऊंगी, अच्छी सी ब्राइट लाइट इस पे पड़ेगी, तो फिर से इसका जो वेरिगेशन है वो दोबारा से उभर आएगा। देखिए, अभी नीचे वालों पे यहाँ पे वेरिगेशन है, ऊपर जाके ये वेरिगेशन इसमें कम हो रहा है। तो ये इसलिए है कि इसको जो लाइट है वो ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ है, इसलिए हो रहा है। तो इसको ब्राइट इंडायरेक्ट लाइट में अच्छा ग्रो करता है ये। और वैसे इंडोर्स में चलने वाला अच्छा पौधा है ये, बेल जैसे ग्रो करता है। देखिए, मैंने इसको लगाया हुआ है मॉस स्टिक पे, बेल जैसे ग्रो करता है। और अगर आपको इसको बेल जैसे ग्रो नहीं, ये ग्राउंड कवर जैसे भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। किसी बड़ी क्यारी में आप ऊंचे बड़े पौधे लगे हुए उनके नीचे लगा दें, तो भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है एज अ ग्राउंड कवर। बहुत खूबसूरत लगता है, इजी टू ग्रो प्लांट है। और इंडोर में भी जहाँ थोड़ी सी अच्छी ब्राइट लाइट से आती हो वहां, वैसे ये लो लाइट टॉलरेंट प्लांट है, मतलब जहां ज्यादा अच्छी लाइट थोड़ी कम लाइट है वहां भी चलता है ये। लेकिन इसका अच्छा सा वेरिगेशन और बेस्ट ग्रोथ चाहिए, तो जहां ब्राइट लाइट हो, धूप नहीं हो, वहां पर ये अच्छा ग्रो करता है। मैंने बहुत पहले भी एक इस पे सिंगोनियम पे, इसको एरो हेड क्यों कहते हैं, देखिए ये इसकी लीफ है ना, एरो भाला होता है ना जो मारते हैं भाला, वो भाले जैसी हैं देखिए इसकी पत्तियां, इसलिए इसको एरो हेड प्लांट कहते हैं। और जब इसकी पत्ती इनिशियली निकलती है ना, तब शुरू में भाले जैसी नहीं होती है, शुरू में बहुत ही यंग पत्ती। इस मेरे वाले प्लांट की तो भाले जैसी है, लेकिन कुछ वेराइटीज ऐसी होती हैं उसमें शुरू में जो पत्ती निकलती है ना, वो थोड़ी हार्ड शेप सी होती है, एग्जैक्टली वो नहीं होती भाले जैसी। और धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगती हैं, तो फिर उनमें लोब्स आते हैं और वो भाले, इसमें तो देखिए ये भाले जैसी है इनिशियली भी। और नई नई पत्तियों में देखिए कलर डार्क और वेरिएशन ज्यादा दिखता है। तो ये तो इसकी हो गई लाइट रिक्वायरमेंट, इंडोर के लिए अच्छा चलने वाला पौधा है ये। और बेल जैसे ग्रो करता है, जैसे मैंने कहा आप ऊपर दीवार के साथ भी चढ़ा दें, कोई पिलर लगा हुआ है उसके साथ चढ़ाएं, और छाया है जहां पर, तो बड़ा अच्छा ग्रो करेगा ये प्लांट आपका। और वॉटरिंग की बात करूं तो मिट्टी इसकी मॉइस्ट रखे, और जब देखिए आप इसको मॉस ग्रास पे चढ़ाते हैं ना, देखिए मॉस स्टिक पे जब इसको चढ़ाते हैं, तो हमें इस स्टिक को भी गीला करना पड़ेगा। जब भी पानी दें इस स्टिक को भी गीला करें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं, ये आपको दिखे तो ये देखिए, इसकी जो जड़ें होती हैं ये इसके अंदर चली जाती हैं मॉस स्टिक में। और जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर दें, तो भी आप इस मॉस स्टिक में लिक्विड फर्टिलाइजर को जरूर डालें, ताकि इसकी जो जड़े ये वाली एरियल रूट्स हैं, ये भी खाना ले लें और आपका पौधा ऊपर तक अच्छी तरह ग्रो करे। तो पानी इसको मीडियम देना है आपको, मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। और स्प्रे मिस्टिंग बहुत पसंद करता है ये, रोज भी आप इसको मिस्टिंग करेंगे ना, पानी की पत्तियों पे पानी देना, फुहार उसको कहते हैं मिस्टिंग, तो वो बहुत पसंद करता है ये पौधा। रोज भी देंगे तो जितना देंगे उतनी इसकी लीव्स जो है वो फ्रेश ग्रो करेंगी। तो और फिर फूड इसको जो है वो आप, मैं साल में दो बार जो है फरवरी में और सितंबर में इसको गोबर खाद, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होती है ना, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, वो दे देती हूँ। और हर 15 दिन में एक बार जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर दे देती हूँ, जो मैं या तो आप एनपीके 19:19:19 को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के इसको दे दें, उसको तो फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, छिड़क दें, स्प्रे कर दें पत्तियों पे, और या फिर आप गोबर खाद को पानी में भिगो दें और 1-2 दिन भिगा रहने दें, और उसका पानी जो है वो 1 लीटर पानी को 10 लीटर में डाइल्यूट करके, और उसको इसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। तो वो ये, अब क्या है कि गर्मियां जो है इसका ग्रोइंग सीजन है,
तो इस टाइम आप इसको हर 15 दिन में या 10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर डालें और पत्तियों को नहलाते रहें, क्योंकि देखिए गर्मी आ रही है। वैसे इस बार गर्मी थोड़ी कम है, फिर भी हमारे यहाँ थोड़ी गर्मी दोपहर में आने लग जाती है गर्म हवा, तो देखिए ये ड्राइनेस से इसकी पत्तियां ऐसे बर्न होने लग जाती हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैसे मैं इसको एक बार तो कोशिश करती हूँ जरूर नहलाऊं सारे पौधों को, पर फिर भी कभी रह जाए तो बर्निंग होने लग जाती है। इस बार 2 बार नहलाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस बार गर्मी थोड़ी कम है, और जैसे मैंने कहा इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। आप देखिए जैसे मेरे यहाँ लगे हुए हैं ये सारे पौधे पास पास हैं, ऊपर ग्रीन नेट भी लगी हुई है, तो यहाँ ही ह्यूमिड रहता है एटमोसफियर जो है, यहाँ पे धूप इतनी ज्यादा नहीं आती है ग्रीन नेट से, और धूप आती नहीं है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती है, और अब ग्रीन नेट भी लगी हुई है। वैसे भी जैसे मैं नहला देती हूँ तो ह्यूमिडिटी रहती है, इसलिए ऐसा इसको 60% तक ह्यूमिडिटी पसंद है, तो इसको रोज नहलाएं तो वो बेस्ट रहता है। और ये देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि ये जो पौधा है ना, मैंने 3 साल पहले शायद एक वीडियो सिंगोनियम पे बनाया था, और वो इसी पौधे पे बनाया था, और मेरे को लास्ट टाइम मैंने एरोकेरिया पे वीडियो बनाया और बोला कि ये वही पुराना वाला प्लांट है, तो हमारे एक व्यूअर है उन्होंने कहा नहीं ये आपका पुराना वाला पौधा नहीं है, उस वाले में तो नीचे 5 पत्तियां थी, इसमें 3 है। तो देखिए जैसे जैसे एज मेच्योर होता है ना पौधा, तो नीचे की वो पत्ती जो है वो सूखने लग जाती है, नीचे की 3-3 रह जाती हैं, और जो नई उगती हैं ऊपर वो 5-5 उगती हैं। और उन्होंने मुझे कहा आप मान नहीं रहे हो, आप लोग ऐसे मत सोचा करो, मेरे यहाँ ग्राउंड फ्लोर के जो प्लांट्स हैं, आप मेरा फर्स्ट वाला जो ग्राउंड फ्लोर गार्डन का ओवरव्यू आप देखेंगे ना, और मैं आज उसका लिंक डालूंगी, आप उसको डेफिनेटली देखना, आपको बिल्कुल आश्चर्य होगा कि वो इतने नन्हे नन्हे पौधे थे उस टाइम, ये आप सोचो कि 2-5 साल के बच्चे हों और फिर 20 साल का बच्चा बन जाए बड़ा, उस टाइप से इनमें ग्रोथ हुई है और ये बहुत बड़े हो गए हैं। तो आप ऐसा मत सोचा करें कि मुझे ऐसे हर प्लांट के लिए मैं बोल सकती हूँ ये बात, तो मैं कुछ प्लांट के लिए क्यों बोल रही हूँ, मेरे ये जो ग्राउंड फ्लोर के प्लांट्स हैं ये आप इसको भी देखिएगा उस वाले ओवरव्यू में, मनी प्लांट भी छोटा था, और तो मतलब ये आप इनको देखिए, अरेका पाम देखिए, सब छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, कि मैंने यहाँ पर 3 गमले भी लगाए हुए थे दीवार पे कलर्ड, क्योंकि ये नीचे थे, और अभी इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने सारे दीवार कवर कर लिया। तो आप ये मत सोचें, मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आप ये वही वाला पौधा है, नहीं तो मुझे मेंशन करने की कोई जरूरत भी नहीं है, कि मैं यूं ही बना दूं, क्या जरूरत है मुझे बोलने की। तो चलिए फिर हम बात कर रहे थे कि इसमें इसको ह्यूमिडिटी पसंद है, इसकी कई वैरायटीज आती हैं, ये देखिए ये ड्वार्फ वाला सिंगोनियम है, ये छोटा इतना ही रहता है बस, ये इससे बड़ा नहीं होता, और एक सिंगोनियम आता है उसकी लीव्स बड़ी होती हैं और पत्तियां ऐसी वाइट होती हैं, वो पहले मेरे पास था लेकिन अब नहीं है मेरे पास, ऐसा ही होता है, उसकी पत्तियां इसी रंग की होती हैं लेकिन बड़ा होता है वो, बड़ी होती हैं उसकी पत्तियां, ये ड्वार्फ वाला है। देखिए इसको ऐसे भी ग्रो करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये बेल जैसे ग्रो करता है, और ऐसे भी ये ग्रो कर जाता है, देखिए ऐसे एक यहाँ लगा हुआ है और एक ये देखिए नीचे लगा हुआ है, ये देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा वेरिएशन आ रहा है, वहां लाइट नहीं आती है ना, देखिए यहाँ वो उसकी पत्तियां हरी हरी थी, यहाँ लाइट आती है, अभी भी लाइट यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रीन नेट के एग्जैक्टली नीचे नहीं है, तो इसके पत्तों का वेरिएशन देखिए, उसी में से कटिंग लेके मैंने ये लगाया हुआ है, और इसके पत्ते वेरिएटेड है और उसके पत्ते प्लेन है, क्योंकि वहां पर ग्रीन नेट की छाया रहती है, और एक कटिंग लेके मैंने और लगाया हुआ है, देखिए एक ये लगाया हुआ है मैंने, इसमें मैं हो सकता है बाद में वो लगा दूं, इसमें अगर मॉसिस्टिक लगाऊं तो ये दोबारा देखिए यहाँ भी लाइट आती है, तो इसके भी पत्ते वेरिएटेड हैं, देखिए तो ये इसकी कटिंग्स भी बहुत आसानी से लग जाती हैं। एक इसकी पिंक वैरायटी आती है, वो मेरे मिडिल फ्लोर गार्डन में पड़ी हुई है, और शायद मैंने आपको पहले कई बार दिखाया भी हुआ है, मतलब इसकी 2-3 ऐसे व्हाइट पत्तों वाली इस तरह ऐसी वाली
और पिंक पत्तों वाली ऐसी वैरायटीज आती हैं, और इनको आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, बेल जैसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। और वो जो ड्रॉप वाली वैरायटी मैंने आपको दिखाई है उसको आप ट्रे गार्डन्स में लगा सकते हैं, इनडोर में छोटे छोटे आपके गमले होते हैं ना उनमें लगा सकते हैं। और पानी बस आप इसको ऐसे करें कि एक बार पानी दें तो दूसरी बार पानी तब दें, बीच में थोड़ा सा मिट्टी ऊपर की जो ड्राई होने लग जाए ना तभी दें, ओवर वाटरिंग नहीं करें। ओवर वाटरिंग करने से फिर आपके पत्ते की पौधे की पत्तियों की टिप्स आपको ब्राउन ब्राउन लगने लग जाएंगी, तो आप ओवर वाटरिंग ना करें इसको, बस मिट्टी को मॉइस्ट रखना है हमको। तो उसके लिए जब आप देखें, देखिए मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये इसकी मिट्टी ऐसी है, देखिए ये सौगी नहीं है ना, देखिए ये देखिए मॉइस्ट है, सौगी होती तो बंधी हुई होती ऐसे गिरती नहीं, जैसे देखिए ये देखिए, तो ऐसे इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, ऐसी बंधी हुई ऐसी सौगी सौगी गीली गीली नहीं रहनी चाहिए, और बल्कि थोड़ा सा एक दिन आधा दिन थोड़ी सूख भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से इसकी मिट्टी रखें, 10 दिन में एक बार लिक्विड वाला डालें। और अब अगर आपने अभी गोबर खाद वगैरह नहीं डाला तो अब आप अगस्त सितंबर में एक बार डाल दें अच्छी तरह खाद, और जहां आपके अच्छी सी लाइट आती है किसी विंडो के पास वहां इसको रखें। सर्दी में इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, सर्दी इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो उसमें घबराएं नहीं आप, ग्रोथ कम होगी, और जैसे ही फरवरी आएगा तो इसका ग्रोथ, और हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इसको चाहिए, तो इसको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट का पानी बना के डालेंगे वो भी बहुत अच्छा रहता है, और उसमें थोड़ी सी सरसों खली भी डाल लेंगे जब पानी बनाने लगे ना आप, तो बाल्टी में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डालने तो थोड़ी सी आप उसमें वो भी डाल लें, सरसों खली भी डाल लें एक मुट्ठी, तो वो और भी ज्यादा वो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरी हो जाती है। तो एक चीज और दिखा दूं, चलिए मैं आपको सिंगोनियम की बात कर रही हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्लांट है, इसको कहते हैं कल्प वृक्ष, जल्दी इस पर भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, तो बहुत शुभ माना जाता है ये भी। ये देखिए ये पिंक सिंगोनियम है, दिख रहा होगा इसकी पत्तियां सारी पिंक है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे जैसे मौसम आएगा बारिश का वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा ये। तो ये एरोहेड प्लांट या सिंगोनियम के बारे में मुझे बताना था कि ये बड़ा ही वर्सेटाइल कह सकते हो एक तरह से प्लांट है। आपको आप लोग सोचते हो ना कि हम बरांडों में इंडोर में क्या पौधा लगाएं, ये बहुत खूबसूरत है, इसमें एक मॉस स्टिक लगा दें और उस पर चढ़ा दें, या फिर कोई दीवार वगैरह कोई पिलर पे चढ़ा दें, बस धूप नहीं आनी चाहिए वहां जहां आप इसको लगाते हो, तो बहुत खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, इसको उगाइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।